नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें मालूम होता है कि चीज़ बुरी है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें वो करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हो गया है। भारत को मालूम है कि यहाँ पे भारत का नुकसान ही होना है पैसे रुपए का, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती, पैसे रुपए का तो नुकसान होना है, लेकिन अगर उससे हमारी सिक्योरिटी थोड़ी सी ठीक होती है तो ये होता है कि ठीक है कर लो। अब दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो गया है जियोपॉलिटिक्स में, भारत और श्रीलंका के बीच में। और ये जो भी हमने कुछ किया है, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए किया है, चाइना से बचने के लिए किया है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि पूरी खबर है क्या और ऐसा क्या हुआ है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि चाइना भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़ रहा हो। तो उसने भारत के आसपास के जितने भी देश हैं उसमें कहीं ना कहीं वो उनको लोन देने का काम उसने किया, फिर लोन देकर इतना ज़बरदस्त रूप से उसमें इंटरेस्ट वगैरह लगा दिया कि वो देश लोन उसको पूरा वापस नहीं कर पाते हैं। तो जब वो लोन नहीं वापस कर पाते तो वो चाइना की भाषा बोलने लगते हैं और चाइना को अपने यहाँ कुछ ना कुछ ज़मीन दे देते हैं, कुछ ऐसा जिसमें चाइना अपना कब्जा कर लेता है। और वो स्पेशली श्रीलंका ने ये काम किया था, तो इसको कहते हैं डेट ट्रैप में फंसाना। मतलब कि पहले कर्जा दो, फिर इंसान जब अपना कर्जा वापस नहीं दे पाएगा जो देश, वो आपके कब्जे में आ जाएगा, आप उससे जगह ले लो और फिर वहाँ पे अपना राज करना शुरू करो। तो कुछ ऐसा ही चाइना ने श्रीलंका के साथ कर दिया था। श्रीलंका को अपना एक उसका जगह है हम्बनटोटा करके, वो उस जगह को डेवलप करना चाहता था श्रीलंका। उसको लगता था इसको मैं डेवलप कर दूंगा और ये समुद्र के किनारे की जगह है, तो उसको लगा कि हम जब इसे डेवलप करेंगे तो यहाँ पे आकर शिप रुकेंगी। वहीं पर उसने एक एयरपोर्ट भी बना दिया, तो उससे लगा कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर लोग आएंगे, आना जाना होगा, इकोनॉमिकली ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और इससे उसको काफ़ी फ़ायदा होगा, उसके देश को इनकम होगी। ऐसी सोच थी श्रीलंका की। अच्छा, जिस भी देश की बात हो उसको सोचना भी चाहिए कि हाँ यहाँ से फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अपनी चीज़ किसी को बुरी नहीं लगती है। लेकिन क्या उसको कहीं से सजेशन भी ले लेना चाहिए कि ये ठीक है भी या नहीं है? तो दोस्तों, वो लोन लेने के लिए रेडी हो गया श्रीलंका कि ठीक, हम इसको करते हैं। और उसने वर्ल्ड बैंक से पूछा भी कि आप हमें इसमें लोन दे दीजिए ताकि हम अपना बंदरगाह और जो एयरपोर्ट है दोनों को हम डेवलप कर लें और उससे भविष्य में अपनी एक इनकम करें। तो वर्ल्ड बैंक ने तो साफ उनको बता दिया कि ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये फेल हो जाने वाला है, यहाँ पे इतना मार्जिन नहीं आएगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको अर्निंग नहीं होगी, इससे आप रिटर्न नहीं कर पाओगे लोन। तो श्रीलंका को लगा कि ये शायद हमें नहीं देंगे लोन, इनके हम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जो भी होंगी इनके हिसाब से ये हमारा प्रोजेक्ट फेल है। तो श्रीलंका ने चाइना की तरफ देखा। अब चाइना तो चाहता ही था कि कोई ऐसा बंदा है जिसको हम लोन पहले पकड़ाएं और उसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई कर दें कि वो इंटरेस्ट भी ना दे पाएगा, प्रिंसिपल नहीं दे पाएगा, तो अल्टीमेटली वो अपनी हमें ज़मीन देगा। तो चाइना के पास ये जब पहुँचे तो चाइना ने इनको पैसा दिया और दोनों ही चीज़ उसने कहा कि ठीक है, अब इसको डेवलप हम ही करेंगे, चाइना ने बोला। तो चाइना की कंपनियों ने उसको डेवलप कर दिया। अब वो बन के रेडी हुआ। वहाँ पर अब एक भी सिक नहीं आती है कि वहाँ पर उनका कोई भी कमाई हो, इनकम हो, ना ही वहाँ पर कोई फ्लाइट लेने जाता है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली है। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि एक न्यूज़ आई थी वहाँ पर 23 यानी कि 23 सिप आई थी एक बार, और उतना ही उसने बिजनेस किया है तब से, 23 सिप, सोचिए कितना कमा लिया होगा। तो ये समझ लीजिए कि अब वहाँ से इनकम तो हो नहीं रही श्रीलंका को, और ब्याज और प्रिंसिपल तो वापस करना ही है। तो जिसके पास पैसे ही ना हो पहले से और इनकम भी ना हो रही, तो देगा कहाँ से लोन? तो श्रीलंका दे नहीं पाया। तो चाइना को भी लगा कि ठीक है, अच्छा आप नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसा करो आप अपना ये जो बंदरगाह है, जो सी पोर्ट है, इसको 99 सालों के लिए हमें लीज पर दे दो, हम किराए पे ले लेते हैं, तो आपका ये लोन पूरा हो जाएगा।
तो श्रीलंका को मजबूरी में लीज पे चाइना को देना पड़ा। अब सोचिए गुरु दोस्तों, ये 99 ईयर के लिए जो दिया गया है लीज पर हम्बन टोटा सी पोर्ट, 99 साल का मतलब पूरी लाइफ निकल जाएगी, कम से कम दो पीढ़ियां तो निकल जाएंगी, दो जनरेशन। अब वो तो हाथ से निकल गया, अब तो कुछ रहा नहीं, 99 साल कब किसने देखा क्या हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग था भारत के लिए, श्रीलंका के लिए तो था ही, उसकी तो ज़मीन चली गई, लेकिन ये भारत के लिए भी बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि भारत की इससे सिक्योरिटी इम्पैक्ट कर रही थी, भारत को एक्स्ट्रा उस पर निगरानी रखनी पड़ रही थी हम्बन टोटा में, कि श्रीलंका में जो चाइना की एंट्री हो गई, चाइना ऐसा क्या करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं उसके अंदर मिलिट्री बेस बना दे, कुछ भी कर सकता है चाइना, चाइना तो सारे काम बहुत चुपचाप कर लेता है, पता भी नहीं लगने देता। तो ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात थी, चाइना की वैसे भी जो स्पाइसशिप होती हैं, जो जासूसी करती हैं, वो आती हैं यहाँ से आके भारत की जासूसी करती हैं, तो ये भारत के लिए बहुत ही थ्रेटनिंग था, बहुत ही मुश्किल वाली चीज़ें थी, भारत इसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, भारत चाहता था कि कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो चाइना का, हमारी सिक्योरिटी की बात थी। तो भारत इसके लिए करता क्या, तो इसमें दोस्तों दो चीज़ें थी, एक हम्बन टोटा बंदरगाह, एक हम्बन टोटा का एयरपोर्ट। अब बंदरगाह तो वहाँ से जा चुका था, उधर श्रीलंका ने दे दिया था लीज पर चाइना को, लेकिन अभी एयरपोर्ट का कुछ नहीं हुआ था। तो भारत चाहता था कि जब दोनों ही आसपास हैं, तो बंदरगाह जब चाइना के पास है, तो हमको किसी तरीके से मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाए, हम्बन टोटा एयरपोर्ट जो है। अब दोस्तों ये सोचिए, वहाँ कोई आता नहीं, कोई फ्लाइट आती नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके खर्चे नहीं निकल रहे, तो भारत ने इसको ख़रीदने की इच्छा जताई, श्रीलंका ने नानुकुर कर दी और नहीं दिया, उसने बड़ा मतलब दिखाया कि नहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, सो उसने नहीं दिया। अब भारत ने ये कोशिश कई बार करी कि श्रीलंका को किसी तरह मनाया जाए, बातचीत से हो जाए, और इसके लिए फिर उसने जापान की भी हेल्प ली, लेकिन बात बनी नहीं, बहुत दिक्कत आई, नहीं हुई। लेकिन फाइनली अभी जब हमने फिर रूस से बात करनी शुरू की, अब ये सोचिए, वैसे तो हम रूस के कई चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद रूस हमारे कहीं अगेंस्ट हो जाता है, फिर अभी कुछ ऐसा कर देता है तो हमें लगता है कि नहीं यार रूस तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। और फिर जब जब चाइना की बात आती है तो रूस कभी हमारा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसा केस है जब रूस की कंपनी और भारत की कंपनीज़ इन दोनों ने मिलकर जब बात करी तो रूस ने कैसे भी करके मना लिया श्रीलंका को। और दोस्तों आज श्रीलंका ने सोची, उसकी कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया है कि ठीक है, ये जो मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये हम भारत को और रूस को देते हैं 30 सालों के लिए ऑपरेशन संभालने के लिए, कंप्लीट इसका ऑपरेशनल जो भी थिंग्स हैं वो सारी मैनेज करेगी इंडिया और श्रीलंका, इंडिया एंड रशिया। अब सोचिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज है, जिस काम के लिए हम लगे हुए थे, हमारी टेंशन थी कि हम इससे कैसे निपटें चाइना से, और उसका रास्ता निकल गया। अब सोचिए दोस्तों, 30 सालों के लिए हमें मिल गया, 30 साल में हम चाइना की नाक में दम कर देंगे, हम उस पर अब वहीं से निगरानी रख सकेंगे, चाइना भी अब नर्वस हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है दोस्तों। ये शाम होते होते एक अच्छी न्यूज आ गई, सुबह एक बहुत ही बुरी न्यूज भी थी इंडिया के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि US ने भारत की 3 कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं, ये 3 शिपिंग कंपनियां हैं जिनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। और सैंक्शन क्यों लगाया है, सैंक्शन इसलिए लगाया है कि ये 3 कंपनियां ईरान और रशिया की हेल्प कर रहे हैं। अब हेल्प कैसे कर रहे हैं, रशिया के पास ड्रोन पहुंचाए जा रहे हैं ईरान के द्वारा, तो ईरान ने भारत की कंपनी जो शिपिंग कंपनी थी उनसे कहा कि ये हमारे कुछ शिपमेंट हैं, ये आप रशिया पहुंचा दीजिए। अब उसके अंदर क्या है वो तो बताते नहीं कंपनियों को, भारत की कंपनियों ने पहुंचा दिए, बस यहीं से काम हो गया। अब भारत के कंपनियों ने पहुंचाया, USA को पता लग गया कि इनकी कंपनियों ने पहुंचा दिया वहां सामान, अब वो सारा ड्रोन वगैरह है।
अब जब पहुंच गया तो उसने लगा दिया सैंक्शन। अब जब सैंक्शन लगा दिया तो ये समझ ली इन तीन कंपनियों के साथ विश्व की और जो कंपनीज हैं या लोग हैं देश हैं वो इनके साथ अब बिजनेस करेंगे नहीं, बहुत ही कम होंगे जो बिजनेस करने वाले होंगे। तो ये भारत के लिए बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी सुबह। लेकिन शाम को जब ये न्यूज़ आ गई कि श्रीलंका के साथ भारत में ऐसा कुछ हो गया है जिससे पूरा जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो पड़ना था निगेटिव वो कहीं ना कहीं हमने काउंटर कर लिया, चाइना को हमने काउंटर कर लिया, अब वहाँ पे हम अपने हिसाब से काम करेंगे, मैनेजमेंट संभालेंगे। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अपनी घर की दीवार से बगल वाले के यहाँ देखना कि क्या हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। इस एयरपोर्ट की सारी मैनेजमेंट होगी, देखी जाएगी, और उसके बगल में सी पोर्ट है। तो अब ये भारत के लिए अच्छी खबर है, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से रशिया ने हमारा सपोर्ट किया। वहाँ पे कुछ शेयर, कुछ परसेंट शेयर रशिया कंपनी का भी है, मेजोरिटी भारत के पास है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है दोस्तों। अब इस पर कुछ और अगर डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।